आज हम एस्टिमोम टैबलेट के बारे में तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले इसका जेनेरिक फार्मूला देख लेते हैं। इसका जेनेरिक फार्मूला है मिसोप्रोस्टोल और ये 200 माइक्रोग्राम में एस्टिमोम में शामिल होता है। अब इसके फ़वाद के बारे में बात करते हैं। वैसे तो इसके बहुत ज़्यादा फ़वाद हैं, लेकिन खसूसन एक फ़ायदा ये है कि ये अल्सर से बचाती है, मैदे के अल्सर होने से बचाती है। वो भी किस सूरत में? जब आप एनसीड इस्तेमाल कर रहे हो, नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। ये याद रखें, जब आप एनसीड इस्तेमाल कर रही हूँ तब हमने इसको इस्तेमाल करना है, और उस दौरानिए तक इस्तेमाल करना है जब तक एनसीड की थेरापी चल रही है। वैसे किसी भी अल्सर के इलाज के लिए या उसके बचाव के लिए हम मिसोप्रोस्टोल को इस्तेमाल नहीं कर सकते। उस सूरत में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है जब आप एनसीड इस्तेमाल कर रही हूँ, नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, क्योंकि एनसीड बताते खुद मैदे का अल्सर काज करती हैं, अल्सर पैदा करती हैं। तो उस अल्सर से बचने के लिए हम मिसोप्रोस्टोल साथ इस्तेमाल करते हैं। उस दौरानी तक इस्तेमाल करेंगे जब तक एनसीड की थेरापी चले। जैसे ही एनसीड हम लेना बंद करेंगे, मिसोप्रोस्टोल का इस्तेमाल भी बंद कर देंगे। कौन लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते? जो हामला ख़वातीन हैं, प्रेग्नेंट वमेन हैं, बेशक वो एनसीड इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन अगर उनको हमल है, प्रेग्नेंट है वो, तब वो मिसोप्रोस्टोल एस्टिमोम को इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि ये अबॉर्शन करती है, बच्चा ज़ाय हो सकता है आपका, अगर आपने गलती से भी इसको प्रेगनेंसी के दौरान इस्तेमाल कर लिया तो। अब देखते हैं मुजरे सेहत असरात। आपके पेट में दर्द हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं आपको, सर में दर्द हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है आपको। ये इसके सिर्फ मुजरे सेहत असरात हैं, चंद एक हैं, और ये खुद ब खुद ही ठीक हो जाते हैं जब आप इसको इस्तेमाल करना बंद करेंगे तो। आखिर में हम इसकी डोज़ के बारे में बात करते हैं। आखिर इसको कितनी मकदार में लेना है हमने, अगर हमने इससे बचना है एनसीड के असर से। इसको जनाब आप एक टैबलेट दिन में 4 मरतबा खाने के साथ इस्तेमाल करेंगे। अगर आप एनसीड इस्तेमाल कर रही हैं और प्रेग्नेंट भी नहीं हैं, तब आप एक गोली दिन में 4 मरतबा खाने के साथ इस्तेमाल करेंगे। अगर खाने के खाली पेट अगर आप इस्तेमाल करती हैं, तब आपको डायरिया हो सकता है। तो उस डायरिया से बचने के लिए हम इसको खाने के साथ इस्तेमाल करेंगे। तो ये आज का टॉपिक सारा एस्टिमोम टैबलेट के बारे में था। इसके जो स्पेसिफिक इसका फ़ायदा है, यूज़ है, वो हमने डिस्कस किया है कि अगर आप एनसीड इस्तेमाल कर रही हूँ तो उस अल्सर से बचने के लिए, एनसीड जो अल्सर काज करती हूँ उससे बचने के लिए हिफाजती तौर पर हम मिसोप्रोस्टोल एस्टिमोम का इस्तेमाल करते हैं। शुक्रिया।